गाइस, अब मैं जा रही हूँ और बाहर जाने से पहले मैं दिखा देती हूँ, ये है IU64 और इसके अंदर चार हर्ब्स का ये कॉम्बिनेशन है। वेलकम टू माय चैनल द वैली ऑफ द रंजना। और बज रहे हैं सुबह के 8:30, मैं कर चुकी हूँ ब्रेकफास्ट, अब बनाने जा रही हूँ चाय। अभी दीदी को अपना ब्रेकफास्ट करना है और मम्मी भी कर चुकी हैं, तो सबसे पहले ये कप को पहले पानी से वॉश कर लेते हैं, धुले हुए कप हैं इसलिए जल्दी से वॉश करते हैं और उसके बाद बनाते हैं चाय। तो चलो दोस्तों चाय बनाएं। तो गाइस चाय चढ़ा दी है, चाय बन रही है, इसमें अदरक और मैंने चाय पत्ती डाल दी है, उसको थोड़ा सा खोला लूंगी दूध डाल के। आज गुड़ की चाय बनाने वाली हूँ, तो फटाफट मैं चाय बनाती हूँ। और एक तरफ दीदी अपना पोहा, आप जैसे उपमा देख रहे हैं, गर्म कर रही है, तो नाश्ता हम लोग फटाफट करके अभी चलते हैं छत पे। ब्लैक वाले कप जो कि एक टूट गया है इसलिए एक वाइट निकालना पड़ा। गाइज वी आर ऑन द छत, हम लोग छत के ऊपर आ गए हैं, कपड़े अपड़े सब डाल दिए हैं। हाँ आधी इंग्लिश आधी इंग्लिश, वी आर ऑन द टेरिस की जगह वी आर ऑन द छत। और यहाँ पर अब हम लोग ले रहे हैं विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी को ऑब्जर्व कराने के लिए। और हियर इज माई सिस्टर, आपको दिखा दें, सिटिंग लाइक दिस एंड टेकिंग सन बाथ। तो जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, और थोड़ी देर अभी धूप लेंगे और उसके बाद नीचे जाके अपने पूरे दिन के काम करेंगे। और मैं जो जो काम करूंगी आज, मैं हो सकेगा तो आपको मिलवाऊंगी। Few moments later. तो छत में आए हैं और थोड़ा सा रीडिंग सेशन कर लें अपना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट है इस ईयर्स बहुत सारी बुक्स पढ़ने का, तो मैं रोज कम से कम एक या दो पेज अपने रीडिंग के लिए निकालने की कोशिश करती हूँ। तो दिस इज बुक इन माई हैंड और आई एम टेकिंग पाथ सन पाथ, और उसके साथ मैं अपनी बुक को भी रीड करूँगी। तो फटाफट से रेडी हो जा रहे हैं और उसके बाद आज मम्मी को ले जाना है बैंक। यूज कर रही हूँ बॉडी केयर का ये बॉडी मिस्ट है और इसकी स्मेल बहुत ज्यादा माइल्ड और बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, एप्रिकॉट फ्लेवर पे है ये, तो अगर आपको अच्छा लगे तो यू हैव टू परचेज। तो ये मैं बन चुकी पूरी लेडी डॉन। चलिए माँ चलो बैठ जाओ, मैं यहाँ पर खड़ी है और हम लोग ले रहे हैं फ्रूट्स। भैया ये दिखा रहे हैं, डाल दो इसी में तो अंतर पता चल जाएगा। हाँ, ये साफ वाली है और ये थोड़ी गंदी वाली है, ये वाली जल्दी कपास बदलना होता है ना। हाँ तो वही अच्छा होती है बस। अच्छा अच्छा जलेगी वही, जलेगी वही। 1 hour later मम्मी हमारी है, अनार का जूस पिलाएंगे मम्मी को। मैं नारियल पानी पीऊँ? नहीं नहीं मैं नारियल नहीं, आप पियो। अरे नहीं 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 पियो, लो पी लो पी लो, पी पाओगे पी लो, धीरे धीरे पी लो पूरा। नारियल पानी और एक नारियल पानी इसी के लिए पैक करा लेंगे। हम और मम्मी जा रहे हैं घर। हाँ नहीं रही थी, आधे रास्ते से लेके आई हूँ। हाँ नहीं रही थी, अब बता रही है कि चलो। 1 hour later होए, जैसी मैं घर के अंदर घुसी क्या देख रही हूँ, ये ड्राई फ्रूट्स दीदी फ्राई करके रख रही है, बनाने वाली है लड्डू। गजब, आज तो टेस्टी लड्डू मिलेंगे, मेरी बहन बहुत अच्छे लड्डू बनाती है गाइस, तो आज तो बहुत टेस्टी लड्डू मिलने वाले हैं खाने के लिए। मच 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 लेट गाइस, अब मैं जा रही हूँ और बाहर जाने से पहले मैं दिखा देती हूँ, ये है IU64 और इसके अंदर चार हर्ब्स का ये कॉम्बिनेशन है, सारी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगी। और ये पोस्ट कोविड में तो काम करता ही है और इसे आप प्री प्रिकॉशन के तौर पे भी ले सकते हैं, अगर आप इसको लेते रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बहुत ही सेफ नेचुरल और हर्बल है और इसकी 2 tablets लेनी होती है। आप चाहे तो दिन में इसको 2 बार भी ले सकते हैं, अगर आपको ज्यादा सर्दी जुखाम या फिर ऐसा फील हो रहा है फीवर वगैरह, और ये हर प्रकार के फीवर के लिए आप बिना सोचे समझे इसको ले सकते हैं। अगर आपको फीवर आ रहा है और आपको ये लगता है कि आपको क्या है और आप डाउट में हैं, तो तुरंत इसको लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये हर प्रकार का फीवर के लिए है और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड है, पूरी तरीके से सेफ है, नेचुरल है, हर्बल है। तो इसकी 2 tablets मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं
प्रिकॉशन के तौर पे सिर्फ 2 टैबलेट्स 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर के साथ ले रही हूँ। तो पूरा जड़ी बूटी का टेस्ट आता है इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बचे रहना है तो फिर आप इस बार हमें कोविड से जबरदस्त तरीके से लड़ना है तो आयु 64 का मतलब है कि 64 वाले जो एज है, 60+ एज वालों के लिए ये पूरी तरह से सेफ है। तो इसमें नो एज बार, बच्चा बूढ़ा और जवान। घर में ड्रॉप कर दिया, मुझे कुछ अपना काम है, जो बाकी का सामान वो मैं ही कर सकती हूँ। तो मम्मी परेशान होंगी तो उनको जाने का कोई मतलब नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ और बाकी के सारे काम को मैं फटाफट से आ जाऊंगी। शिफ्ट लेट है। आई एम हेयर आयुष ब्यूटी पार्लर और ये है मेरा हेयर स्टाइलिश आयुष। आयुष तो ये है आयुष, ये मेरे बाल काटता है। तो आप लोगों ने डिमांड की थी कि एक बार आप फिर से अपने हेयर कट कटाइए, तो मैं कटाऊंगी नहीं, लेकिन जो भी कराऊंगी आज आपको दिखा दूंगी फुल। तो नहीं तो हेयर कट तो डेफिनेटली हो गई होगा। हाँ मतलब लेंथ छोटी, हाँ लेंथ शॉर्ट नहीं होगी लेकिन हेयर कट तो हो गई होगा। और तो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक और अब बज रहे हैं शाम के 6:30 और ये है मेरा पूरा जो हेयर का जो लुक था आफ्टर कटिंग। तो ये है, तो आयुष आई थिंक ये वाले लेंथ थोड़ी सी और इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट मैं नहीं जानती, एक हफ्ते के बाद समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि वो मेरा पहले वाले वाली सही थे कि ये जो लुक है कुछ चेंज भी लग रहा है या कुछ सही भी लग रहा है, और मुझे तो थोड़े से शॉर्ट लग रहे हैं। और बाकी आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून और लव यू ऑल, गुड बाय फ्रेंड्स। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और पीछे से भी दिखा देती हूँ तो आपको अंदाजा लग पाएगा कि ये शॉर्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो दिस इज इट, गुड बाय।